गया, किल फीड बहुत तेज हो गई है, मामला क्योटिक हो चुका, नंबर ऑफ कर्सर्स कमिंग अप फ्रंट एंड MYM और बार की तरह एक बार फिर से जोन के सेंटर में। जी और टीम फिनटॉक की साइड से एक नेज जाता है, वहां पे कनेक्शन बनाएगा नियो जो कि 3 किल्स ऑलरेडी निकाल चुके, अभी किल हो जाएंगे डाउन, रिवाइवल मिल सकता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट टीम TSMNT, द पोजीशन अबाउट टीम TSMNT की, उनके जो बैक्स है वो अभी के लिए क्लियर नजर आ रहे हैं और ये जरूर उनको हेल्प करने वाले। टीम ब्लाइंड की जो फाइट है वो भी इनिशिएट हो चुकी है, कंटेंट बीइंग द सोलो प्लेयर स्टैंडिंग एंड लुक एट दैट टीम ऑरेंज रॉक, दे आर प्रूविंग टू बी द रॉक्स। यहां पर जो एक बढ़िया हाइट का एडवांटेज है वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, सर्कल के अंदर एंट्री अगर लेनी है तो अपने सामने वाली टीम को करना पड़ेगा फिनिश, और अभी के लिए उनके सामने टीम फिनटॉक्स और टीम MYM नाम की दो स्ट्रॉन्ग दीवार मौजूद है। क्या टीम ऑरेंज रॉक ये दीवार तोड़ पाएगी, ये एक देखने वाली बात रहेगी मायावी। ये दीवार टूटती कैसे है, टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है, बट ऑरेंज रॉक भी यहां पर एक बड़े हार्ड रॉक के साथ बनी है, ये दीवार जरूर से तोड़ देना चाहिए, एक गेम के साथ डैमेज। एंड ये देखिए कितने ज्यादा जबरदस्त ये स्प्रेस थे, सारे के सारे हेड लेवल पर थे जो कि अच्छा डैमेज जरूर से कवर करने के, आदित्य बहुत ज्यादा लो हो चुके, मेरे ख्याल से यहां पर जोन के अंदर एंट्री लेकर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फाइट PTN फॉर टीम ओवर TSMNT लुकिंग रियली गुड आउट देयर, नियो सोलो प्लेयर एक डिफरेंट एंगल पर है, क्लच गॉड और जी गॉड एक डिफरेंट एंगल पर है, आई थिंक यहां से जो स्प्लिट क्रिएट करा है TSM ने ये इनको बहुत ही ज्यादा फायदा देकर जाने वाला है। नियो ने पूरा वहां पर गेट कीपर रखा है, हाई ग्राउंड से TSM अच्छा कर रही है। अगर बात करें यहां पर पंक की तो वो भी होते हैं डाउन, टेस्ट और सोलो बच जाएंगे, फेस भी यहां पर डाउन हो जाएंगे, प्रिंट ऑफ के एक्सप्लोइटेड द सोलो मैन स्टैंडिंग। मेरे ख्याल से जितनी भी टीम्स के पास मैन एडवांटेज है सबके प्लेयर्स बहुत ज्यादा दिक्कतों के अंदर है, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर नॉक्ड डाउन एज ऑफ नाउ, एंड TSM यहां पर तीनों प्लेयर्स के साथ आराम से काम कंपोज यहां पर दिख रही है। नियो के पास यहां पर डिसाइडर 1v2 रहने वाला है, कि लेट्स जस्ट शिफ्ट टू नियो एंड लेट्स जस्ट विटनेस कि वहां पर वो डिसाइडर 1v2 हो पाता है या नहीं हो पाता। जी नियो जो अपनी टीपी को रिलोड करने के लिए जाएंगे, यहां पर इमॉर्टल जो वो सोलो प्लेयर स्टैंडिंग बचते हैं, सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, प्रबल दावेदार इस मैच की टीम TSMNT के पास अनडाउटेडली, बिकॉज सर्कल के अंदर एकमात्र टीम, मात्र 3 प्लेयर सर्कल के अंदर और सारे के सारे जो प्लेयर्स है वो टीम TSMNT के हमें नजर आ रहे हैं। 4 टीम्स यहां से बचती है माय भाई, एक 3v1v2v2 का जो सिनेरियो वो हमें देखने को मिलता है। स्पॉट किया यहां पे टेस्टो को, कुछ बढ़िया प्लेयर्स आ रहे हैं, डॉट HP यहां पर छोड़ा है, एक और बुलेट का कनेक्शन एंड दैट वुड बी अ नॉक, पर लेकिन यहां पर अपने आप को हील करते अंदर आएंगे। सर्कल के अंदर जाना है, मात्र 5 सेकंड्स का टाइम, टीम TSMNT आई गेस कि अब यहां से इनको रोक पाना नामुमकिन नजर आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर मुश्किल जरूर से नजर आ रहा है, क्लच गॉड विद दैट पैरल इतनी हाई रिकॉइल गन को मिड रेंज के अंदर यूज करें, डॉट एच भी बचेगा बस, और उसको कल हमने 1v4 करते हुए देखा बहुत ज्यादा लोग, क्लच गॉड कमिंग अप विद दैट नॉक, TSM माइंड अब चार्ज टू गेट दैट चिकन डिनर फॉर द वेरी फर्स्ट मैच ऑफ द डे, इमॉर्टल गोस साइड आउटसाइड द जोन एंड बचेंगे यहाँ पर एक्सप्लिसिट, ही इज आल्सो आउटसाइड द जोन, बिल्कुल क्लियरली स्पॉट आउट कर लिया जाएगा नियो को ऑफ दैट किल, पूरी टीम के पास बहुत किल्स आ जाएंगे। एंड ये लीजिए ये अकेला बचा हुआ प्लेयर भी जोन के बाहर, आई थिंक आउट नंबर्ड हो जॉनी हो या ना हो, आई थिंक आज बहुत से लोगों का जो एक डाउट था वो क्लियर हो गया, बहुत से लोग कहते थे कि जॉनी के बगैर TSM थोड़ी सी डाउन हो जाती है, आज प्रूफ हो गया अंकित, बिना TSMNT जॉनाथन के, बिना हैकर के भी ये टीम अच्छे एरिया होल्ड ऑन कर सकती है एंड बैक टू बैक सेकंड डिनर्स भी निकाल कर दे सकती है। आज बिल्कुल वहां पे लास्ट का जो डेट था वो हमें देखने को मिला, दिस क्लियरली शोज की एक भी जो